अलग अलग मसले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ई टेंडरिंग जो है वो एक घोटाले को जन्म देगी, और मैं शुरू से कह रहा हूँ ये गलत है। इलेक्टेड पंचायतें हैं, उनका अधिकार है, लोगों ने चुन के भेजा, लोगों के जवाब दे हैं, तो उनका इस्तेमाल जो इनको फौरन कैंसिल कर देनी चाहिए, और पंचायतों को पूरा अधिकार उनके विकास का होना चाहिए। सरकार कह रही है बहुत से लोग मान गए हैं, कुछ ही सरपंच हैं जो कि अड़े हुए हैं, विपक्ष करवा रहा है। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है कौन अड़ा है कौन नहीं है, लेकिन ये ई टेंडरिंग एक घोटाले को अंजाम देने वाला है, क्योंकि पोर्टल है, आप देखा, चाहे वो पहचान पत्र हो चाहे कोई हो, पोर्टल चलते नहीं, जिसका पोर्टल बंद कर दो चाहे जो मर्जी चला दो, तो ये कोई ठीक नहीं है। इलेक्टेड पंचायत है, ये जो है फिर तो सरकारी अफसरों की और उनकी उसके घोटाला इंजाम दिए। सर, आप लोगों का कार्यक्रम होगा सोनीपत में, उसके साथ साथ सीएम साहब का भी पलवल में आज जो है जनसंवाद कार्यक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, सर किस तरीके से? हम तो 3 साल से करें विपक्ष आपके समक्ष, वो अब उनके चुनाव के सामने उनके दिख रहे हैं, लोग याद आ रहे हैं। और पूछ ले तू जो पूछना आप सर जल्दी में देना। सर, ओपी चौटाला का बयान आया कि आप प्रदेश के हित के लिए किसी भी राजनीतिक गठबंधन से जो है वो करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस की बात की जाए चाहे जेजेपी की बात की जाए? कांग्रेस की जेजेपी क्या कांग्रेस की बात की जाए कांग्रेस अपने आप में सक्षम है।